तहलका न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना के नाम पर केवल किसान आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। टिकैत ने कहा कि सरकार तो ऐसा कर रही है कि मानो कोरोना का उद्गम स्थान ही किसान आंदोलन हो। तो वहीं अम्बाला में किसानों को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा और सवाल उठाया कि किसान आंदोलन चल रहा है और फिर भी सरकार ने खरीद बंद कर दी है। टिकैत ने कहा कि सरकार गारंटी लेगी किसान आंदोलन समाप्त होते ही कोरोना भी खत्म हो जाएगा, तो वो आंदोलन खत्म करने पर विचार कर सकते हैं। टिकैत ने कहा कि कोरोना का उद्गम स्थल किसान आंदोलन तो नहीं है, आंदोलन खत्म होने से कोरोना खत्म हो तो सरकार गारंटी दे और ये भी कह दे कि देश में किसी की भी कोरोना से मौत नहीं होगी, हम आंदोलन खत्म करने पर विचार कर लेंगे। जो स्थिति देश की रहेगी, हम तो देश के साथ में है, ऐसा तो है नहीं कि कोरोना का उद्गम स्थल वे आंदोलन है, आंदोलन खत्म होकर देश से कोरोना खत्म हो जा, अगर ये गारंटी देते हो तो चलो हम उस पर विचार कर लेंगे भाई। अगर देश में से कोरोना ही खत्म हो जाता है हमारे आंदोलन से, तो गारंटी दे दो हमको एक आदमी की डेथ नहीं होगी, कोरोना खत्म हो गया। संदेश यहाँ देखेंगे कि हमकी खरीद हो रही नहीं हो रही, क्या मामला हो रहा, अगर हरियाणा के अंदर भी मंडियाँ बंद होगी तो पूरे देश का क्या हाल होगा। आंदोलन चल रहा है उस टाइम पे भी मंडियां बंद होगी यहाँ की और खरीद नहीं हो पा रही पूरी, ये सारी समस्या है। टेबल पे बैठ के बात होगी वो तो सब जब होगी ना, अभी कैसे होगी। अरे सरकार है कहाँ, कहाँ सरकार बात कर रही, सरकार को शर्म नहीं आ रही के इतना बड़ा हाल चल रहा, किसान बैठा है और वो बात करें उससे, मतलब ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं कि जी हम बात करना चाहते नहीं करना चाहते, हम तो सरकार को ढूंढ रहे, सरकार के दरवाजे पर आ गए, उसको तलाश कर रहे हैं कहाँ है सरकार, बात करेगी तो करेंगे हम बात उससे, तो इशू क्या रहेंगे, सरकार अपनी बताए हम अपनी बताए।